सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उठा लिया भाई कैमरा सुबह सुबह, और आज तुम देख रहे हो तुम्हारा भाई शर्ट वर्ट पहन के बैठा हुआ है सुबह सुबह बिना नहाए बिना धोए, क्योंकि वाइफ का डंडा रहता है कि बनियान में सीधे सीधे टी शर्ट में उठा करके बनाने लग जाते हो। तो भैया मैंने अपनी शर्ट पहन ली, फाइनली अभी उठ गया हूँ यार। और उठ के आज बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले तो ऑफिस का ही लैपटॉप का काम है, ठीक है। उसके बाद एज यूजल जो घर का और मेरी लाइफ का रूटीन है वो सेम सही रहता है। वाइफ वगैरह चले गए स्कूल और भाई मैं जो है मैं लगा हुआ हूँ अपने काम में। हालांकि नाश्ता वगैरह देखो एज यूजल मेरा बन के रखा हुआ है, और देखो बाहर की तो लाइट भी नहीं जलाई मैंने, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। लाइट जला लेता हूँ एक बार, ये लो भैया, और ये भी जला लेता हूँ एज यूजल, आप देखते ही हो। चल जा भाई चल जा। ओहो आज इसको क्या हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, इसका प्रेशर सही नहीं बिगड़ रहा है मेरे ख्याल से। है भी पानी इसमें, पानी को अभी देखता हूँ दोस्तों इसमें क्यों नहीं आ रहा पानी। बाकी भैया अपने काम को स्टार्ट करेंगे, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के दिन में क्या खास होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो अभी भाई नहाने धोने का काम स्टार्ट होगा, बट चलो वो तो देखेंगे। बाकी बाहर चलते हैं एक बार, उठ गए तो बाहर का मौसम भी देख ही लेते हैं। ओहो यहाँ तो कपड़े सपड़े सूख गए, इसका मतलब मैं लेट उठा हूँ। नहीं 8:30 में उठ ही गया हूँ। चलो मम्मी ने पपीता ले लिया भी है मेरे लिए तो। चलो दोस्तों नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली दोस्तों नाश्ता तुम्हारे भाई ने रेडी कर लिया। भाई ओवन को बंद करते हैं और देखते हैं सब्जी गर्म हुई अभी। ओके मैंने घी डाला था, अभी घी गर्म हुआ ही नहीं है, तो ये इसको चलने देते हैं। हाँ चाय मेरी ये मैंने छान के रख ली और पराठे मेरे ये रहे, तो सबको जल्दी से भाई डाल लेते हैं अपनी प्लेट में। ये लो इतने सारे पराठे, ये आगे 4 पराठे, और इधर आ जा भाई, इधर आ जा, इधर इधर आ जा, ठीक है। थोड़ी सी चाय बच गई है दोस्तों, और देखिए चाय की प्लेट में रख लेते हैं अपने इसको भी, और आई थिंक अब ये भी हो गया होगा। ओहो हो, आपकी आपकी एकदम लजीज मामला हो गया भाई, घी एकदम नीचे तैर रहा है। सही है सही है, बंद कर देते हैं ओवन को भी, नहीं हो गया ओवन बंद। तो भाई नाश्ता मैंने प्लेट में डाल लिया है, ठीक है। यहाँ से करते हैं सिस्टम को ऑफ, लेके चलते हैं अपने पूरे नाश्ते को अंदर। चलो बेटा चलो चलो चलो, ये लो भाई लाइट करते ऑन, ये रख गया नाश्ता। आओ बेटा चलो अंदर चलो चलो, पुत्र भी तो आएगी अंदर, ऐसे थोड़ी है, पुत्र तो मेन आदमी भाई। तो अभी सबसे पहले टीवी ऑन कर लेता हूँ भैया, ये टीवी ऑन हो गया। और अब देखते हैं, रात में एक सीरीज देख रहा था दोस्तों वीरप्पन, अगर आपने देखी हो या ना देखी हो, पर रिव्यू दे रहा हूँ। वीरप्पन देखोगे आपको एक सेकंड का भी आप स्किप नहीं लोगे, ये नहीं सोच पाओगे कि यार थोड़ी सी भी आगे बढ़ा दो। सच में जबरदस्त भाई, जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई है, और सच में पता लगता है कि वीरप्पन कितना, पता नहीं अच्छा कहूँ बुरा कहूँ, क्योंकि अभी मिड में देखिए कहीं अच्छा लगता है और कहीं बुरा लगता है। बट उसने भाई मर्डर्स बहुत किए, 1000 से भी ज़्यादा हाथी मारे, और चंदन की 100 लकड़ियाँ जंगल से गायब कर दे, क्योंकि सारी बेच के खा गए वो भी देखते हैं। अभी तो थोड़ा सा बच रहा है मेरा, तो एक बार नाश्ते को स्टार्ट करता हूँ और फिर आपसे कनेक्ट करता हूँ। सो दोस्तों नाश्ता वगैरह यार मेरा हो चुका है, और मीटिंग देखो मेरी ऑफिस की अभी चल ही रही है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो ऑफिस की मीटिंग चल रही है अभी मेरी कंटिन्यूस, क्योंकि कुछ इशू है तो उसको फिक्स कर रहे हैं फाइनली। अभी मुझे छोटे छोटे कई सारे काम हैं, बिकॉज जब भी घर में रहता हूँ तो काम कुछ ना कुछ निकल ही आता है भाई। अभी जो है मैं जाने वाला हूँ हार्डवेयर की दुकान पर, कुछ कुछ सामान लाने वाला हूँ, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको पानी वाले का, सैनिटरी वाले का जो काम होता है वो आज मैं रिपेयर करने वाला हूँ, बिकॉज घर में कई सारी जगह पे लीकेज है। तो पहले सामान लेके आता हूँ फिर आपको कनेक्ट करूँगा और दिखाऊँगा किस तरीके से मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। चलो दोस्तों अभी निकलता हूँ फाइनली। तो गाइस अभी निकल चुके हैं, थैंक यू।
सामान ले लिया, अभी हम घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जा रहा हूँ भाई ऊपर, और ऊपर भी क्यों जा रहा हूँ बिकॉज कि नीचे की और ऊपर की सारी सप्लाई बंद करने जा रहा हूँ, सो दैट कि वो रिपेयरिंग मैं कर लूँ, ठीक है। और ऊपर आए तो एक बार पीछे का भी माहौल देख लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितनी टूट फूट हुई है। सो भाई ये तो तोड़ फोड़ करने में लग रहे हैं, हम चलते हैं भाई ऊपर। अरे राम, ये लो, और ये करने पड़ेंगे सारे वाल बंद। तो भाई एक एक करके ये वाला बीच वाला हो गया, वैसे तो ये नीचे का है, ये हो गया इधर का। तो ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, सारे बंद हो गए। चलते हैं भाई, गर्मी तो बहुत है। हाई रामा, हवा चल रही है हालांकि। चलो नीचे चलते हैं भाई, टूल किट से सामान निकालते हैं। हाँ, ये सारा पानी मैंने बंद कर दिया भाई, टूल किट से सामान निकालना। चलो बेटा जुलू, जल्दी चलो 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 चलो। तो सामान भाई, एक दो, ये खुलनी है और भाई ये वाली लगनी है। एक ही एक टोंटी और होगी मेरी। एक टोंटी का है भाई, ये रखा ना सामान, एक टोंटी है इसके अंदर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बेटा। सो गाइस अभी घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर डैडी एकदम मैकेनिकल की तरह यहाँ पे लग चुके हैं। थोड़ा तेज तेज आवाज आनी चाहिए, अब कोई भी आए शर्माने की जरूरत नहीं, माँ जी है बाबा, कोई भी शर्मा ना जाए। अगर ब्लॉग बनना है तो कैसा लग रहा है डैडी? मुझे भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और टोलू मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों मेरी हालत तो आई थिंक आप देख सकते हो भाई, क्या हालत हो रखी है, पसीने में तर बतर हो रखा हूँ, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें की हैं, सामान तामझाम सब फैला पड़ा है। एक तो देख, तो दोस्तों देखो मैंने जेट लगाया है, ब्लैक कलर वाला जेट लगाया है, ठीक है। और नीचे दो टोंटी लगाई है, बट सबको चेक करने से पहले भाई मैं जाता हूँ छत पे, और देखो यहाँ भी मेरा सामान फैला पड़ा है। सो मैं ऊपर जा रहा हूँ सबसे पहले पानी खोलने, सो दैट सारी चेकिंग हो सके कि भैया सब ठीक है कि नहीं है, या कहीं से लीकेज हो रहा है। तो बेटा जूली तू कहाँ आ रही है राजा, ये मुझसे पहले आएगी, देखना देखो देखो देखो, इसके बस पेट में खलबली रहती है। तो दोस्तों खोलते हैं सारे के सारे वाल, देखते हैं भैया मिशन सक्सेसफुल रहा है या कुछ ताम झाम अभी फैला पड़ा है। सारे वाल अभी बंद पड़े, एकदम से फुल स्पीड में पानी जाएगा। तो एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग और तीन बिल्डिंग, तीनों बिल्डिंग के खोल दिए, चलते हैं नीचे, देखते हैं भैया एक एक करके चेकिंग करते हैं सारी चीज़ों की। चलो बेटा जुलू, बहुत काम है हमें आज, चलो 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 चलो। तो सबसे पहले तो ऊपर से चेक करते हुए चलेंगे, तब नीचे उतरेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे जेट, कि जेट हमारा चल रहा है कि नहीं। तो भाई ये जेट है, अभी ये चला नहीं, तो ये ऑन किया मैंने। वाह, ये देखो, अरे ये क्या लगा दिया। तो ये एकदम फिट चल रहा है, चलते हैं नीचे की दोनों टोटी चेक करते हैं।
आओ बेटा जू, लाइट जलाते हैं भाई सबसे पहले तो, ठीक है, और इधर की भी लाइट जलाते हैं, कहाँ जलती है यहाँ से। ओह ये लीक कर रहा है भाई, देखना पड़ेगा क्यों लीक कर रहा है। ठीक है एकदम झकास तरीके से भाई ये टोंटी लग चुकी है, फिट है, ये लीक कर रहा है। इसको दोस्तों मुझे देखना पड़ेगा भाई, इसको मुझे देखना पड़ेगा एक बार कि क्यों लीक कर रहा है, कैसे इसको सही कर सकते हैं ये देखते हैं। सिस्टम भी देख लेते हैं, सिस्टम भी मैंने ठीक करी थी आज तो, देखते हैं ये भी थोड़ी देर में भर जाएगी। तो भाई सारा काम हो गया, बस एक जगह से लीकेज हो रही है, इसको चेक कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं गया हूँ थक, और भाई अब मैं नहाने वाला हूँ, क्योंकि नहा के मैं खाऊंगा खाना, और इस टाइम शरीर जो है वो जवाब दे रहा है भाई, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है लगातार बाइक पे, कम से कम 5 से 6 तो चक्कर ही लग गए, कभी ये सामान कभी वो फिटिंग कभी ये फिटिंग कभी वो लाना है कभी ये लाना है, तो अभी फाइनली मैं थक गया हूँ भाई, और अभी मैं रेस्ट करके पहले नहाने वाला हूँ फिर रेस्ट करने वाला हूँ, तो पहले जा रहा हूँ मैं नहाने। सो गाइस मम्मी और छवि आ चुके हैं यहाँ पे, छवि कुछ कहना चाहती है, और इधर जूली जो है वो मम्मी से प्यार करवा रही है। सो गाइस मैंने ऑफिस का काम भाई अभी निपटा लिया है, बच्चे फाइनली रेस्ट करके स्कूल के बाद आए, और रेस्ट करके अभी उठ गए, फाइनली छवि आ गया। हाँ बेटी, डैडी आपके लिए ना एक सरप्राइज है, जब आप मतलब अपनी एडिटिंग कर रहे थे ना, हाँ, तब ना बाहर बारिश का मौसम हो रहा था। सच में? हाँ। चलो चलो देख के आते हैं, चलो चलो चलो, बाहर बारिश का मौसम है। अरे भाई चलिए जरा, पुत्र आ बेटी, पुत्र आओ बेटा, ये देखो दोस्तों मेरे साथ पुत्र भी, बाहर बारिश हो यार, यहाँ से तो छवि इधर से देखेंगे ना यार, वहां से कहाँ से देख रहा भाई, ओए बारिश का मौसम तो नहीं है, ठीक ठीक है, मतलब मौसम तो अच्छा ही हो रहा है, ओए कितना क्लीन मौसम हो रहा है यार, मजा आ गया भाई देख के भाई, जबरदस्त, कहाँ वो सही हो रहा है भाई मौसम सही, ओए ओए छवि यहाँ से देख बीच में से कैसा हो रहा है भाई, मेरी गिलहरी सही है। हाँ और तो भाई मैं अभी जो है अभी जाने वाला हूँ भाई ऊपर थोड़ी देर में, अभी तो मैंने कपड़े चेंज करे भाई, ये मंजा कहाँ से आ गया बेटा, ये देख बेटा देव ने करा ये सारा मंजा, देखिए छवि ये सारा देव ने करा हुआ है, आज आ जाने उसे सुधारूंगा ढंग से, ठीक है ना, चलो ठीक है, मैं सारा हिसाब ले लूंगा बेटा, परेशान भी कर रहा था दोस्तों, मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, एक बार जल्दी से ऊपर भी लेके चलो, चलिए बेटा चलो आओ बेटा जल्दी आओ, ये देखो दोस्तों ये गोली की रफ्तार, यार क्लीन मौसम हो रहा है एकदम झकास वाला भाई, झकास वाला, और तुम्हारे भाई की इन्वेंशन देख लो दोस्तों, ये मनी प्लांट खत्म हो गई थी फाइनली मैंने उगा दिया दोबारा, ओए अभी माजी बाबे भी ऊपर आएंगे मैं भी आऊँगा भाई, टूट फूट बहुत तेजी से चल रही है, चल बेटा छवि थोड़ा सा ट्यूशन का काम कर लेते हैं, है ना, ट्यूशन का, आप ट्यूशन का काम कर लो, और ट्यूशन का स्कूल का बहुत हार्ड काम है, हार्ड नहीं है, चलो देखो जूली उतर गई ना, चलो पहले ट्यूशन का काम कर लो और उसके बाद आएंगे फिर ऊपर हम, ठीक है ना बेटी, चल 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 चल, और शैतान नहीं, नहीं जल्दी आ जाए जल्दी अंदर अंदर अंदर, और भाई मेरी लड़की को गाइस गाइस करने की आदत पड़ गई है तो आने देते हैं, आ जाओ बेटे जल्दी आओ, गाइस इतना भी रोड पे डॉग्स है ना मेरे दोस्त, सारे डॉग्स भी ये दोस्त हैं हमारे, कौन आया नीचे, नीचे किसी ने गेट खोला है, जूली भी पहुंच गई, देखें कौन है पुत्रू, नीचे तो कोई नहीं, देखो बाहर देखी छो अभी, चलो भाई बाहर देखते कौन आया, गेट तो खुला है, कौन है बेटी, आराम से आराम से, हाँ नीचे तो कोई नहीं दिख रहा, माजी बाबा ने खोला हुआ, चलो दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा काम और फिर चलेंगे भाई ऊपर, बेटा सक्षम उठ गया है, काम कर होमवर्क, और सुन थकावट नहीं होमवर्क कर, एक्टिव हो जा, पहले मुंह धो, पहले मुंह धो सो के उठ के, हाँ दिखा दिया मैंने गाइस को यार, पहले ही दिखा दिया, लो भैया इसकी तरफ से और देख लो, इसके बाथरूम में क्या लगाया मैंने,
छवि के लिए नया जेट लगा दिया भाई। और चलाना मत, मेरे पास आएगा पानी बेटा ऐसे, उसको ताकत क्यों लगानी है। वेरी गुड, चलो 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 रखो, इसको ऐसे कर दो, हटो यू बस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आप करो मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मैं थोड़ा सा भाई कर लेता हूँ अपना काम धाम और फिर मिलूँगा थोड़ी देर में आपसे। अभी फाइनली व्लॉग तो देख लो, तुम्हारे भाई का ही चल रहा है माई लाइफ माई फेस, तो अपने ही व्लॉग में इंटरेस्ट आता है यार। अपने ही व्लॉग में ऐसा लगता है कि ये हमने कैसे नहीं देखा, जबकि हम ही एडिट करते हैं, हम ही बनाते हैं और हम ही सब कुछ करते हैं, बट स्टिल मज़ा आता है। तो भाई देखते हैं अपने व्लॉग को और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों, मैं तो अंदर भाई अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ और जूली देखो डर के मारे मेरे पास बैठी। अब डर भी क्या है, इसका डर है भाई बादल का गरजना। अभी बादल गरजे, चपड़ चपड़ की आवाज़ आई है भाई, और मैं जा रहा हूँ बाहर। भाई बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, ओए होए 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 होए, बल्कि मैं तो ऊपर जाने वाला था अभी। ओए सही है भाई, जबरदस्त बारिश, सही है। ये देखो दोस्तों, और अब तो मैं ऊपर भी नहीं जा सकता। सो भाई, अब तो जूली भी बाहर नहीं जा सकती और मैं भी बाहर नहीं जा सकता। जूली का दुद्धू देखो यहाँ रखा ही है। अब दुद्धू तो ये छत पे पीती है, आपको पता ही है। अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो फाइनली वेट ही करेंगे। अब मौसम में ऐसा तो नहीं है, मैं कह ही रहा था थोड़ी देर पहले कि मौसम अजीब सा हो रहा है, मौसम सुहाना हो रहा है। छवि ने जब आके बताया था, मुझे लग रहा था मौसम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट फाइनली अब बारिश हो गई भाई। अब तो बारिश के रुकने का वेट ही करेंगे। हाँ बेटा, अब भूल जाओ बारिश, दो तीन घंटे से पहले रुकेगी। क्यों? क्योंकि यही बारिश कल परसों उत्तराखंड में हो रही थी और ये बहुत देर बाद रुकी थी। तू गया था उत्तराखंड? अरे ब्लॉग में। अच्छा, ब्लॉग में देखा था किसी के। कोई नहीं, हम तो वेट करेंगे भाई बड़े। उत्तराखंड के बादल इधर आए होंगे और ये दो तीन घंटे से पहले बंद नहीं होने वाली। कोई नहीं, देखते हैं भाई। कल की छुट्टी स्कूल की। तो दोस्तों, बारिश जिस तरीके से हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, भयंकर वाली। तो भाई मेरा मन कर गया कि मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। तो बाहर जाने से पहले निकालता हूँ छाता, सो दैट बाहर का एक्चुअल लुफ्त लिया जा सके। भाई अलमारी तुम ही बंद कर देना, छाता मैंने ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर। छाते को भाई ऑन भी करूँगा यहाँ से जाके, और सामने आंटी भी बैठी हुई है एक। भैया हो जा, अरे हो जा, खुल जा। अरे खुल गया देखो, सही है भाई, ओके की रिपोर्ट है। ओए सही, बारिश हो रही है भाई। भाई इतनी तेज, नीचे पानी भी भरना शुरू हो गया भाई, आंटी निकाल दी है। भाई अंदर चलते हैं, इतनी बारिश में बाहर रहना ठीक नहीं है। ये देखो तो पूनम, ये ले। हाँ दोस्तों, अगर बच्चों को पता लगी ना भाई, सारे बच्चे नहाने आ जाएंगे, इसे जल्दी से छुपके काम करने में। और सेफर साइड देखो भैया, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में लाइट भी भगा रखी है, ऐसा ना हो कि पानी वेस्ट मत कर भाई। बारिश हो रही है तो अननेसेसरी पानी क्यों वेस्ट करना है सक्षम।
चलो दोस्तों मैं तो नहाता हूँ यार अभी पुनः ले। तो दोस्तों मौसम एकदम जबरदस्त तरीके से बदल गया है भाई और बहुत ही मज़ा आ गया कसम से। देखो आज जूली को ऊपर नहीं लेके जा सका और भाई खाने की तैयारी देखो यहाँ हो रही है चकाचक। एक तरफ दूध और एक तरफ कढ़ी चावल बनेंगे। चावल जरूर बनाना, बिना चावल के नहीं खाऊंगा मैं। तो भाई कढ़ी चावल बन रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कढ़ी चावल। और बाहर मैंने कर दिया अंधेरा अभी, तो वैसे लाइट जला देता हूँ, लो लाइट से बड़ा अच्छा सा लगता है। और भाई मछलियों को भी दाना डाल देता हूँ लगे हाथ। तो भाई मछलियों का दाना पहले ले लेता हूँ अपने हाथ में। सो पहले सिग्नल भेजता हूँ, सिग्नल दोस्तों ये है। अब सिग्नल भेज दिया, सारी मछलियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। देखो पूरा एक्वेरियम इधर से खाली और सारी मछलियाँ आ गई यहाँ पर। अब डालता हूँ दोस्तों दाना। ओहो सारी, तो दोस्तों मैं भाई अभी जा रहा हूँ नीचे माजी बाबा के पास और आकर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं लेके आ गया हूँ भाई सब्जी वगैरह सब कुछ और अब जूली को देता हूँ उसकी गाजर। लो बेटा